लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिवेट पैसा जोड़ रहा है, ये सेमी परमानेंट जोड़ रहा है, और ये ज्वाइंट के आधार पर, ज्वाइंट के आधार पर टेम्प्रोरी ज्वाइंट होता है, दूसरा सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। टेम्प्रोरी ज्वाइंट के अंतर्गत नोट नट बोल्ट और रिवेट क्या होता है, स्टार्ट आता है। और दूसरा देखे हुए थे हम लोग सेमी परमानेंट रिवेट, सेमी परमानेंट में क्या आता है, सेमी परमानेंट ज्वाइंट में रिवेट और सोल्डरिंग आता है, ठीक है। अगला देखे हुए थे परमानेंट ज्वाइंट, परमानेंट ज्वाइंट में क्या आता है, वेल्डिंग और ब्रेजिंग आता है। तो मटेरियल के बारे में देखे हुए थे, तो रिवेट का जो मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम और ब्रास, कॉपर इत्यादि के बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखे तो रिवेट का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो रिवेट का साइज सैंक के व्यास और उसकी लंबाई से लिया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखे हुए थे टेल, यानी रिवेट के, यानी इसके क्या ये फिगर दिया गया है, उसमें कौन सा कौन से, यानी इसमें पूछा जाएगा ये सभी कि इसके फिगर देके और इसका पार्ट से नाम पूछ लिया जाएंगे। तो ये हम ये जो देख लिए थे, हेड है ये हमारा, ये दूसरा है सैंक और तीसरा है टेल, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिवेट का व्यास भी देख लिए, तो रिवेट का व्यास कितना होता है, यानी रिवेट की व्यास होता है, इसका जो सूत्र होता है 1.2 इंटू अंडर रूट क्या होता है, टी, यानी टी प्लेट की मोटाई, ठीक है। रिवेट की लंबाई निकालने के लिए सूत्र था टी प्लस 1.5 इंटू डी, इसमें भी दो प्लेटों की मोटाई निकालना दिया रहेगा और उसको डी, यानी क्या होगा, लेंथ हमसे पूछा जाएगा।